आज हम क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फ्लो चार्ट एक्सप्ल फ्लो चार्ट सिम्बल्स फ्लो चार्ट किसे कहते हैं और फ्लो चार्ट के अंदर कौन सी सिंबल यूज़ की जाती हैं फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलग्रेजम एलग्रदम को जब सिंबल्स के जरिए या डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है फ्लो चार्ट के अंदर सिंबल्स होती हैं और हर सिंबल का कुछ खास पर्पस होता है अभी हम उन सिंबल्स को डिस्कस करते हैं ये हमारे सामने कुछ सिंबल्स हैं पहली जो सिंबल है वो ओवल शेप की है ये जब हम अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त ये सिंबल यूज़ की जाती है यानी इस सिंबल का मकसद फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना या एंड करना होता है ओवल शेप सिंबल एंड दार्ट फ्लो चार्ट को या तो ये एंड करती है या स्टार्ट करती है अगर स्टार्ट में लगी होगी तो स्टार्ट करेगी एंड में लगी होगी तो एंड करेगी डिफरेंट फ्लो चार्ट के जरिए हम समझेंगे कि फ्लो चार्ट किस तरह डिजाइन होती तो है और इन सिम्बल को किस तरह उनके अंदर यूज किया जाता है नेक्स्ट है जी फ्लो लाइन फ्लो लाइन क्या होती है जब हम दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं या नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं तो पिछले स्टेप प्रीवियस स्टेप्स को और जो नेक्स्ट स्टेप होता है इनको मिलाने के लिए ये फ्लो लाइन यूज़ की जाती है ये आर ओ सिंबल यूज़ की जाती है जिसका मकसद नेक्स्ट स्टेप के लिए क्योंकि जब हम आ, स्टार्ट को और उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा उसको जब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जब हम जाते हैं तो उसके लिए फ्लो लाइन सिंबल यूज़ की जाती है ये डायरेक्शन ऑफ लॉजिक फ्लो को डिनोट करती है उसके बाद है जी थर्ड सिंबल पैरालोग्राम पैरालोग्राम सिंबल जो होती है ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है यानी जब यूज़र ने कोई इनपुट देना है नंबर इनपुट देने है, या आखिर में जब रिज़ल्ट प्रिंट करवाना है रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए पैरा सिंबल यूज़ की जाती है उसके बाद जी रेक्टेंगल rectangle. रैक्टेंगल जो सिंबल है ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती है मीनस के जब हमने एडिशन करनी है मल्टीप्लिकेशन करनी है डिवीजन करनी है या हमने रिमाइंडर निकालना है या सब्ट्रैक्शन करनी है तो जब हमने किसी भी तरह की प्रोसेसिंग करनी होगी डाटा को प्रोसेस करना होगा मैथमेटिकल वर्क करना होगा तो उसके लिए हमें रेक्टेंगल शेप यूज़ करनी पड़ती है उसके बाद नेक्स्ट है जी लास्ट है डायमंड डायमंड जो शेप है ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ की जाती है इसे डिसीजन सिंबल भी कहा जाता है डिसीजन मेकिंग किस तरह फॉर एग्जांपल कल हमने एक एलग्रदम को डिस्कस किया था कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू परसेंट तो स्टूडेंट पास है लेस देन थर्टी थ्री है तो फेल है यहां पर डिसीजन लिया जा रहा है तो यहां पर जो डिसीजन के लिए जो सिंबल यूज की जाएगी वो डायमंड शेप यूज की जाएगी इसके अलावा जो सिंबल्स इसके अलावा जो यूज़ की जाती है डायमंड शेप डिसीजन मेकिंग आ, की थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको और बता दूं कि कंफ्यूजन आप लोगों को ख़त्म हो जाए देखें जब आ, हम कहते हैं कि स्टूडेंट का ए ग्रेड है सेवेंटी परसेंट या इससे ज़्यादा उसके मार्क्स हैं तो ए ग्रेड है अब यहाँ पे क्या है डिसीजन हम ले रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ किसके ऊपर परसेंटेज मार्क्स कितने हैं अगर ज़्यादा सेवेंटी ईयर से ज़्यादा हैं तो क्या है वो यहाँ पे क्या यूज़ की जाएगी डायमंड शेप उसके बाद सिक्सटी से सिक्सटी नाइन तक है तो बी ग्रेड तो यहाँ पे ये जो डिसीजन हैं इनको रिप्रजेंट किया जाएगा इस सिंबल के ज़रिए उसके बाद नेक्स्ट है देखें ये सिंबल्स हैं वही सिंबल्स यहाँ पे यूज़ हुई हैं डिफरेंट तरीके से हैं सिंबल्स है उसका नाम क्या है स्टार्ट या एंड सिंबल ये ओवल शेप है स्टार्ट स्टॉपी इसे कहा जाता है ये इसका जो काम है फ्लो ला फ्लो चार्ट टर्मिनेटर फ्लो चार्ट को टर्मिनेट करती है जब आखिर में लगी होगी तो फ्लो चार्ट को टर्मिनेट कर देंगे उसके बाद एरो है एरो क्या है अ लाइन इज अ कनेक्टर दैट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रजेंटेटिव शेप्स एंड इट्स फ्लो डायरेक्शन यानी कि हमने नेक्स्ट जब स्टेप की तरफ जाना है तो उसके लिए हमें ये फ्लो लाइन या एरोसिम्बल यूज़ करनी पड़ती है उसके बाद है जी इनपुट आउटपुट यानी पैरलेलोग्राम पैरलेलोग्राम जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है जब हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर सॉरी जब हम फ्लो चार्ट के अंदर कुछ डाटा जो है इनपुट करते हैं या हम आखिर में उसका आउटपुट जब डिस्प्ले करवाते हैं तो उसके लिए ये पैरालेलोग्राम या इनपुट आउटपुट सिंबल यूज़ की जाती है उसके बाद है जी नेक्स्ट सिंबल रेक्टेंगल जो शेप है रेक्टेंगल शेप को प्रोसेस सिंबल कहते हैं ये किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह के लिए यानी अगर हमने अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो हमें प्रोसेस सिंबल यूज़ करनी पड़ती है उसके बाद है जी डिसीजन सिंबल। ये डायमंड शेप जो सिंबल है ये डिसीजन के लिए यूज़ की जाती है यानी हमारे पास अगर चॉइसेस uh, हैं और हमने एक चॉइस को सिलेक्ट करना है हमने डिसीजन लेना है कि किस चॉइस को हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें जो सिंबल यूज़ करनी पड़ेगी वो सिंबल डायमंड शेप होगी तो ये आज का क्वेश्चन था आज के जो क्वेश्चन है वो फ्लो चार्ट की सिंबल के बारे में है फ्लो चार्ट की फ्लो चार्ट कहते कैसे हैं फ्लो चार्ट जो है वो जब एलिग्रदम डिज़ाइन हो जाता है तो उसी एलिग्रदम को जब हम सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फ़्लो चार्ट बन जाता है तो सिंबल जो है ये सिंबल्स हमने डिस्कस कर ली हैं ये सिंबल यूज की जाती हैं जिस तरह हम एल्गोरिथम जब एक, एक एल्गोरिथम में आपको बता देता हूँ हमारे पास ये जो एल्गोरिथम है देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं ये एल्गोरिथम ये स्टार्ट कर रही हैं तो स्टार्ट के लिए हम कौन से सिंबल यूज करते हैं ओवल शेप उसके बाद है जी नंबर टू स्टेप यहाँ पे इन इनपुट लेंथ वेर अब हम इनपुट कर रहे हैं तो इनपुट के लिए हम कौन से सिंबल यूज़ करते थे पैरालोग्राम तो पैरा के अंदर ये लिख देंगे इनपुट लेंथ कॉमा विड्थ अब स्टार्ट और ये दूसरा जो स्टेप पहला स्टेप और दूसरा स्टेप इनको मिलाने के लिए हम फ्लो लाइन यूज़ करेंगे उसके बाद थर्ड जो है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यहां पे आप देखें प्रोसेसिंग हो रही है यानी मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते थे वो रेक्टेंगल शेप प्रैक्टेगल के अंदर हम ये लिख लेंगे एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और टू स्टेप और थ्री जो स्टेप है हमारे इनको हम आ, इनके बीच में फ्लो लाइन लगा देंगे एरो लाइन लगा लेंगे उसके बाद फोर डिस्प्ले एरिया अब डिस्प्ले के लिए अगेन जो है वो पैरेललोग्राम सिंपल यूज़ की जाती है पैरेललोग्राम में हम लिख देंगे डिस्प्ले एरिया और थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप के बीच में हम फ्लो लाइन लगा लेंगे उसके बाद है जी स्टॉप तो स्टॉप के लिए जो टर्मिनेटर है वो यूज़ किया जाता है यानी ओवल शेप सिंबल है ओवल शेप में हम स्टॉप लिख देंगे और फोर और फिफ्थ जो स्टेप है इसको हम मिला लेंगे एक फ्लोर लाइन के ज़रिए ये हमारा फ्लो चार्ट था इसको हम इनशाला बनाएंगे फ्लो चार्ट को ये भी आपको एक हमारे सामने जो एल्गोरिथम था उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है फ्लो चार्ट किस तरह बनेगा तो फ्लो चार्ट नाम है जी हमारे एल्गोरिथम को सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करने का और हर सिंबल का हमने पढ़ा खास मकसद है और वो मकसद आपको बता दिया गया है कि हर सिंबल का क्या क्या मकसद है यही आज का टॉपिक था सिंबल्स को अच्छी तरह डिस्कस कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो एल्गोरिथम आपके पास लिखे हुए हैं उनको उनके फ्लो चार्ट आप खुद बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में कन्सेप्ट आप लोगों का जो क्लियर है आप लोगों का जो कन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके इसके बारे में तो कोशिश कीजिएगा इतना मुश्किल नहीं है अगर आपके पास अलग रदम डिज़ाइन हुआ हुआ है मैंने पीछे ये देखें बहुत सारे अलगिरदम आप लोगों को आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए थे अपने पास लिख लें और फिर उसके बाद जो है वो आप इनके जो है इसको याम साहब देखें डिव है तो ये जहाँ पे थर्ड जो स्टेप है डिवाइड है तो डिवाइड के लिए आप जो है वो सिंबल पैरालोग्राम यूज़ करते हैं यहाँ पे इफ द रिमाइंडर ऑफ स्टेप टू इज़ जीरो तो या इसके लिए आप यूज़ करेंगे डायमंड शेप यूज़ करेंगे तो ये सारे स्टेप्स जो है वो इनको कोशिश कीजिएगा आप जो है वो इनको रिप्रजेंट करें मैं भी कल इन आपको मुख्तफ एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोगों को फ्लो चार्ट के बारे में मज़ीद डिटेल से बताऊँगा ये सिम्बल्स थी कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा